हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जॉब के प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेके आई हूँ। ये मेरे को चार सेट है बुक का, प्रीवियस ईयर पेपर्स का, टॉपिक वाइज सॉल्व। ये दिशा एक्सपर्ट्स का है, मुझे समथिंग 650 वगैरह में पड़ा था, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। आप लोग भी चेक कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल रहा। इसमें सारे क्वेश्चन, सारी चीजें एक ही जगह पे हैं, प्री से लेके मेंस तक की सारे टॉपिक्स, और उसमें पुराने क्वेश्चंस जो भी आए थे वो सारे इसके अंदर दे रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी पास्ट IBPS, RRBSO एंड IRBI पेपर्स, वो सारे इसके अंदर है। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव का है। ऐसी चार बुक है मेरे पास, एक दो तीन चार, चार बुक है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके इसके कंटेंट्स वगैरह दिखा देती हूँ, क्या क्या कंटेंट्स हैं। बाकी आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों में भी बताइएगा। ठीक है, तो मैं आती हूँ। ये हो गया क्वांटिटेटिव का, इसमें देख लीजिए कैसे सब दिया हुआ है। ये कंटेंट्स दिए हुए हैं इसमें सारा, ये इस टाइप से है, ये 14-15। ठीक है, ये 15 सिंप्लीफिकेशन वगैरह, ये पूरा मतलब जितने भी पुराने ये इसके आए थे ना आज तक, 2010 से लेके 19 तक के सारे क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं। आप काफी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए एक ही टॉपिक में कितने कितने ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस हैं। और हाँ, बेस्ट पार्ट इज दिस सॉल्यूशंस। ठीक है, वैसे तो सॉल्यूशन मत ही देखिएगा, क्योंकि अपने आप करिए तो ज्यादा बेटर। देखिए 300 क्वेश्चंस हैं, इतना तो आप लगाएंगे एक टॉपिक के तो बहुत ही अच्छा है। तो इससे अच्छा प्रीवियस ईयर के लगा लें। ठीक है, फिर ये देखिए, ये आ गया आपका, देन अप्रोक्सीमेशन आ गया, देन ऐसे ही करके आपके पूरे चैप्टर्स हैं और उसमें पुराने क्वेश्चंस जो भी आए हैं प्लस उनके सॉल्यूशंस हैं। सारे क्वेश्चंस ये पुराने पेपर्स में आ चुके हैं। आप पेपर्स डाउनलोड करें, आप एक जगह ये बुक ले लें, ज्यादा कॉस्टली चारों बुक 650 में है। फुल पैक मिलेगा आपको दिशा एक्सपर्ट्स का। ठीक है, एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, आपको पता ही है। फिर उसके बाद ये देख लीजिए, ये है क्वांट, लास्ट में कुछ नहीं है इसमें, ऐसी हिंट्स एंड सॉल्यूशन सारी चीजें दे रखी हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको एट वन प्लेस क्वांट के मिल जाएंगे। ये इस तरह की बुक है। ठीक है, ये रीजनिंग है, रीजनिंग एबिलिटी, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स 2010 से 19, जो भी बैंक एग्जाम्स वगैरह उनके सब के हैं, 22 टॉपिक्स। ठीक है, इसमें क्या है कि पहले ही 2018-19 के थोड़े सॉल्व पेपर दे रखे हैं इन्होंने, वो भी टॉपिक वाइज ही हैं। जैसे कि देख लीजिए अल्फाबेट टेस्ट, उसके जितने क्वेश्चंस हैं, देन कोडिंग डिकोडिंग, उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे पुराने ईयर के 2018 के, देन उसके बाद ये इस टाइप से पूरा इन्होंने दे रखा है ब्लड रिलेशन। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज इन्होंने सारी चीजें दे रखी हैं, आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये रहा आपका चैप्टर वाइज, एक मिनट, ये रहा एनालॉजी क्लासिफिकेशन, देन सीरीज वगैरह, देन ये सारी चीजें अल्फाबेट, ये सारी चीजें इन्होंने टॉपिक वाइज भी दे रखी है। ठीक है, तो ये रहा रीजनिंग का, हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस भी दे रखे हैं। इंग्लिश, बेस्ट पार्ट इंग्लिश, देखिए जिनकी इंग्लिश वीक है वो बेसिकली ये पुराने ईयर के क्वेश्चंस वगैरह लगाएं, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद तो ज्यादा बेटर है। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत हैं, क्योंकि पुराने में बहुत जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे गए सारी चीजें इसमें, ये देख लीजिए इस टाइप से पूरा इसका कंटेंट है। ठीक है, तो फिर इसमें देख सकते हैं आप, और रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन इतने हैं कि आप प्रैक्टिस करते करते थक जाएंगे। ठीक है, ये देख लीजिए सारी चीजें, और आंसर्ड क्वेश्चन ये है, सबके सॉल्यूशंस लास्ट में दिए गए हैं। ठीक है, तो उस जगह पे आंसर नहीं, देखिए काफी क्वेश्चंस हैं, मतलब मैं तो यही ढूंढ रही कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये रहा, यहां से बेसिकली यहां से स्टार्ट हुआ है और ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन में कवर्ड है, आप देख सकते हैं, बाकी सब नॉर्मल कवर्ड है। ठीक है, ये आपका हो गया इंग्लिश, ये हो गया, ये आपका बेसिकली मेंस में ये पोर्शन पूछा जाता है बैंकिंग इकोनॉमी से रिलेटेड, तो उसमें जो भी पुराने साल के क्वेश्चंस आए हैं आप पहले टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद आप ये पेपर को सॉल्व करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे क्या पूछा जाता है, और इससे बाहर पूछा भी नहीं जाएगा। इसमें आपके कंटेंट्स ये सारे हैं, कंप्यूटर भी इंक्लूडेड है, करेंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये, अरे यार एक मिनट सॉरी, ये करेंट अफेयर्स अपडेट, ये पूरा सब कुछ, ये बैंकिंग सिस्टम उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, देन ऐसे करके कंप्यूटर, कंप्यूटर नॉलेज का आप तो इसमें से पढ़ लेंगे, फिर आपको तो कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसमें, मतलब क्वेश्चंस कर लेंगे अगर आप तो आप उन्हीं को आराम से पढ़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है, कंप्यूटर नॉलेज हो गया आपका पूरा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिएगा, और ये चार बुक हैं दिशा एक्सपर्ट्स की, मुझे 650-670 समथिंग में मिली थी, और आप भी इसे बाय करिए अगर आपको अच्छी लगे तो। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, जॉब की प्रिपरेशन करते रहिए, बाय।